हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। हाँ जी, आई होप तो सब बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। एक छोटा सा टॉपिक है, कंसेप्ट है ये, एक छोटा सा एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है, नहीं भी आता है, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे चैप्टर्स में इसका कंसेप्ट यूज होता है, जैसे कि फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर है उसमें इसका कंसेप्ट यूज हो जाता है, कंसाइनमेंट का चैप्टर है, इन्वेंट्रीज का चैप्टर है, पार्टनरशिप का चैप्टर है। कई बड़े बड़े चैप्टर्स में ये छोटा सा कंसेप्ट कई कई बार पूछा जा सकता है आपसे। तो चैप्टर बहुत आसान है, कंसेप्ट बहुत आसान है, ध्यान से सुनते चलिएगा। आइए जी स्टार्ट करते हैं। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, हेडिंग डालिए चैप्टर का नाम, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। हाँ जी, सबसे पहले तो मुझे बताइए सेल कब कंप्लीट मानी जाती है। कोई भी गुड्स को बेचा जा रहा है तो सेलर कब बोलेगा कि सेल कंप्लीट हो गई है, बताइए जी। सेलर कब बोलेगा कि सेल कंप्लीट हो गई है? व्हेन द अल्टीमेट ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड बाय सेलर टू बायर। जब सेलर गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है टू द बायर, तो माना जाता है अल्टीमेटली सेल हैज टेकन प्लेस। या फिर बायर कुछ ऐसा काम कर दे, बायर गुड्स के साथ कुछ ऐसा काम कर दे जिससे पता लगता है कि भाई गुड्स कंज्यूम हो गए हैं, गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, तब भी माना जाता है सेल ट्रांसफर, सेल हो गई है। ये कंसेप्ट क्या कहता है? ये कंसेप्ट कहता है कि भैया अल्टीमेट सेल नहीं हो रही है अभी। अभी हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को यूज करने के लिए। सेलर क्या कर रहा है, गुड्स को यूज करने के लिए कुछ दिनों के लिए गुड्स कस्टमर के पास रख देता है, और कस्टमर अगर वो गुड्स कस्टमर को पसंद आते हैं तो कस्टमर उस गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है, और अगर गुड्स पसंद नहीं आते कस्टमर उस गुड्स को क्या कर देता है जी, रिटर्न कर देता है। जनरली कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई नई मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करता है, तो क्या करता है, सैंपल के तौर पर गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आपने देखा होगा कि डोर टू डोर सैंपलिंग होती है, गुड्स की डोर टू डोर सैंपलिंग होती है, वो क्या करा जाता है, देखो कई बार तो फ्री में सैंपल बांट दिए जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि सैंपल सिर्फ यूज करने के लिए दिए जाते हैं, और बायर को ये कंडीशन लगा दी जाती है, सेलर बायर के सामने ये कंडीशन रख देता है कि भैया मैं आपको कुछ टाइम पीरियड दे रहा हूं, कुछ टाइम दे रहा हूं, और उस टाइम के अंदर अंदर आप मुझे ये बता दो कि आपको गुड्स पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर तो आपको गुड्स पसंद आ रहे हैं तो वो गुड्स आप अपने पास रख लो, और अगर आपको गुड्स पसंद नहीं आते हैं तो आप क्या कर सकते हो, गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करता हूं, लेट अस से मैं टेक्सटाइल शर्ट्स में यूज होने वाला थ्रेड बनाता हूं, जैसे शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग करी है कोई कंपनी, उसके लिए मैं थ्रेड बनाता हूं, मटेरियल बना रहा हूं। अब मैं एक नए तरीके का मटेरियल लेके आया, तो मैंने उस शर्ट मैन्युफैक्चरर को बोला कि भैया ये जो मेरा थ्रेड है इसको खरीद लो। अब मैं नया नया पर्सन हूं तो हो सकता है वो मुझसे ना खरीदे, क्योंकि हो सकता है भाई ट्रस्ट ना हो उसको मुझ पे, क्योंकि उसका पुराना सप्लायर तो कोई है ही है, लेकिन हो सकता है उसको मुझ पे ट्रस्ट ना हो, वो क्या कह देगा कि भैया मैं गुड्स नहीं खरीद सकता क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि आपका गुड्स किस तरीके का है। तो मैंने अपनी सेल को बढ़ाने के लिए मैंने एक स्कीम निकाली, और मैंने क्या बोला बायर को कि आप एक काम करो, कुछ थ्रेड मेरे से ले लो, लेट अस से आप मेरे से 1000 kg थ्रेड ले लो, और इस थ्रेड को यूज करके देख लो, मैं आपको 1 वीक का टाइम देता हूं, आप इस थ्रेड को यूज करके देख लो, अगर तो हफ्ते के अंदर अंदर आपको अगर थ्रेड नहीं समझ में आता है तो आप मुझे वो थ्रेड क्या कर देना जी, वापसी कर देना, और अगर आपको थ्रेड समझ में आता है तो आप थ्रेड को रख लेना। और अगर मान लो एक हफ्ता निकल जाता है, लॉजिकली सोच के बताइएगा, मैंने क्या करा था, मैंने क्या करा था, मैंने एक हफ्ते का टाइम दिया था, और मैंने बोलता भैया एक हफ्ते के अंदर अंदर बता देना, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर नहीं बताया तो क्या माना जाएगा, वो गुड्स एक्सेप्ट हो गई है। ठीक है जी, एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा सेलफोन है, ठीक है जी, एक काम करते हैं, देखो ये है मिस्टर राम और ये है मिस्टर रहीम, ये है एक मोबाइल फोन, ये मैं मोबाइल बना रहा हूं, ठीक है जी, कौन सी कंपनी का मोबाइल है, कोई भी कंपनी का ले लीजिए,
जो मेरे पास है मैं वही बताता हूं, ये है वन प्लस सिक्स, ठीक है जी। अब मिस्टर राम इस फोन को सेल करना चाहता है, मिस्टर राम वॉन्ट्स टू सेल दिस फोन टू मिस्टर रहीम। अब मिस्टर रहीम कहता है कि भैया मुझे नहीं पता कि ये फोन ठीक है नहीं है। तो मिस्टर राम मिस्टर रहीम को क्या कहता है, मिस्टर राम मिस्टर रहीम को कहता है, तो आप एक काम करो, आपको मैं 5 दिन का समय दे रहा हूं, मैं 5 डेज का टाइम दे रहा हूं, अगर तो आपको ये फोन पसंद आ जाए, अगर तो आपको ये फोन पसंद आ जाए तो आप इस फोन को रख लेना, और अगर आपको फोन नहीं पसंद आता तो आप इस फोन को क्या कर देना, मुझे वापसी कर देना। 5 दिन का टाइम पीरियड है। मुझे बताओ, जब मिस्टर राम ने मिस्टर रहीम को गुड्स यूज करने के लिए दिए, क्या वो सेल मानी जाएगी? ध्यान से सोच के बताइएगा, क्या वो सेल मानी जाएगी? आंसर इज सेल अभी नहीं मानी जाएगी। सेल कब मानी जाएगी? सेल तब मानी जाएगी जब मिस्टर रहीम उस फोन को क्या कर लेगा जी, एक्सेप्ट कर लेगा, देन ओनली सेल विल टेक प्लेस। अब बात आती है सर, 5 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए लेकिन रहीम का कोई जवाब नहीं आया, तो मुझे बताइए लॉजिकली मिस्टर राम क्या कहेगा? अगर रहीम का कोई जवाब नहीं आता 5 दिन के अंदर, तो मिस्टर राम तो यही मानेगा ना कि भैया मिस्टर रहीम को गुड्स पसंद आ गए थे, उसने अपने पास रख लिए। अब अगर मिस्टर रहीम गुड्स वापसी देने आता है मिस्टर राम को, तो मिस्टर राम की ऑप्शन है, हो सकता है वो गुड्स को लेने से मना कर दे और कह देगा कि भैया अब तो ये सेल हो गई है, अब आपको ये गुड्स रखने ही पड़ेंगे। दिस इज नोन एज सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। मतलब गुड्स को सेल कर दिया सब्जेक्ट टू द कंडीशन, क्या कि अप्रूव कर लो या फिर उसे रिजेक्ट कर दो, ठीक है जी। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ बातें हम लिखते हैं। सबसे पहले लिखो जी फीचर ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ये बेसिकली फर्स्ट पॉइंट लिख लो सर। पहला फीचर क्या है जी? पहला फीचर है इट इन्वॉल्व्स चेंज इन पोजीशन, इट इन्वॉल्व्स चेंज इन पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। पोजीशन मतलब गुड्स ट्रांसफर हो जाते हैं वन पर्सन से दूसरे पर्सन पे, गुड्स क्या हो जाते हैं जी, ट्रांसफर हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट, इट डज नॉट इन्वॉल्व चेंज इन ओनरशिप, ओनरशिप चेंज नहीं होती है जी, गुड्स सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है। ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? ओनरशिप विल ट्रांसफर इफ बायर एक्सेप्ट द गुड्स, अगर बाय क्या कर लेगा जी, गुड्स को एक्सेप्ट कर लेगा, और इफ टाइम पीरियड हैज एक्सपायर्ड, अगर टाइम पीरियड क्या हो गया जी, एक्सपायर हो गया भाई, टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया लेकिन बायर का कोई भी जवाब नहीं आया, तब भी मानेंगे भाई गुड्स सेल हो गए, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। कस्टमर डज नॉट इनकर एनी लाइबिलिटी वेन गुड्स आर सेंट टू हिम, मतलब जब गुड्स सेंड हो रहे हैं जस्ट फॉर यूज, तो कस्टमर की कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती है उन गुड्स के रिस्पेक्ट में, मतलब बायर की कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती है। देखिए जब सेल हो जाती है गुड्स की, जब एक्चुअल सेल हो जाती है गुड्स की, तो उसके बाद गुड्स के ऊपर कुछ भी हो जाना वो सारी लाइबिलिटी बायर की ही रहती है, सेलर अपनी लाइबिलिटी से रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर गुड्स सिर्फ यूज के लिए सेंड हो रहे हैं, अप्रूवल के लिए भेजे जा रहे हैं, तो अगर गुड्स में कोई नुकसान हो जाता है, कोई खराबी हो जाती है, तो बायर की उस केस में कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती, एंटायर लाइबिलिटी लाइज विद द सेलर ओनली। जनरली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में भी आपने देखा होगा, ऑनलाइन में क्या होता है जी, ऑनलाइन में हम गुड्स ऑर्डर करते हैं, और कभी कभी हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि पेमेंट करने का, कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी मतलब जब हमारे पास गुड्स आएंगे, हम गुड्स अगर हमें पसंद आएंगे तो हम पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। दूसरा ऑप्शन क्या रहता है कि कभी कभी हमें एडवांस भी पेमेंट करनी होती है, लेकिन उस केस में भी एडवांस पेमेंट में भी कस्टमर के पास राइट टू रिफंड होता है, मतलब अगर कस्टमर को गुड्स समझ में नहीं आते हैं तो वो गुड्स को रिटर्न करके अपना पैसा वापसी मंगा देता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑनलाइन जितनी भी सेल्स होती हैं, ऑनलाइन जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, वो इसी कंसेप्ट पे बेसिस पे चलती है, अप्रूवल और रिटर्न बेसिस के कंसेप्ट पर।
ठीक है जी, ओके। पॉइंट नंबर टू लिखो। अब मैं बात करता हूं लॉ क्या कहता है। देखिए गुड्स की सेल के ऊपर एक हमारा लॉ चलता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 क्या कहता है? तो लिखिए एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल इन केस ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, इसको गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस बोलते हैं, विल टेक प्लेस। वो कहता है इस टाइप की ट्रांजेक्शन में सेल कब मानी जाएगी, विल सेल विल टेक प्लेस कब मानी जाएगी कि सेल हो गई है। तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। पहली कंडीशन क्या कहती है, व्हेन कस्टमर सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू सेलर। जब कस्टमर अपना अप्रूवल दे दे, जब कस्टमर क्या करे जी, अपना अप्रूवल दे दे, अपनी एक्सेप्टेंस दे दे, तब मानी जाएगी, या फिर व्हेन ही डज, व्हेन ही डज एनी एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन, व्हेन ही डज एनी एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन। मतलब कस्टमर कोई ऐसा काम कर दे जिससे लगे कि भैया उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शॉप पे गए, आप किसी शॉप पर गए और आपने एक लेटर से लेस का पैकेट होता है ना, जैसे चिप्स के पैकेट होते हैं, तो लेस का पैकेट आपने लिया और उस शॉप पे ही आपने चिप्स का पैकेट खोला और खाना शुरू कर दिया। मुझे बताइए क्या आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे माना जाएगा कि भाई सेल हो गई है? आंसर इज यस, आपने चिप्स खोला और कंज्यूम करना शुरू कर दिया। तो जो शॉपकीपर होगा वो उसकी आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी, आपको शॉपकीपर को उस चिप्स के पैकेट के पैसे देने पड़ेंगे। मतलब सेलर के लिए वो सेल मानी जाएगी। ऐसा कोई काम कर देना जिससे पता लग जाए कि अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन, या फिर गुड्स सेंड करे और गुड्स सेंड करके आपने वो गुड्स रीसेल कर दिया आगे किसी और को, तो भी माना जाएगा कि भैया गुड्स आपने क्या करे जी, एक्सेप्ट कर लिए हैं। और थर्ड केस में, इफ ही डज नॉट सिग्निफाई हिज एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, अगर वो अपनी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन को स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अंदर नहीं बताता है, ठीक है जी, तो भी माना जाएगा। अब देखो स्पेसिफाइड टाइम कभी कभी तो फिक्स होता है और कभी कभी फिक्स्ड नहीं होता। अगर नॉट फिक्स्ड है तो हम क्या लेंगे जी, हम लेंगे रीजनेबल टाइम। एक रीजनेबल टाइम भी लेके चल सकते हैं, जैसे पेरिशेबल गुड्स होते हैं तो उनके लिए टाइम कम होगा, और अगर नॉन पेरिशेबल गुड्स है, पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाते हैं, पेरिशेबल गुड्स है तो टाइम कम होगा, अगर नॉन पेरिशेबल गुड्स है तो टाइम ज्यादा भी हो सकता है। जनरली टाइम क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। जैसे मैंने मोबाइल का एग्जाम्पल दिया था, तो मैंने क्या टाइम फिक्स किया था, राम ने 5 दिन का टाइम फिक्स किया था, तो वो फिक्स टाइम है। अगर 5 दिन के अंदर अंदर नहीं पता लगेगा तो क्या माना जाएगा जी, गुड्स एक्सेप्ट हो गए, सेल सेल हैज टेकन प्लेस। तो इन तीनों में से कोई भी सेटिस्फाई हो जाए, मतलब एनी एनी मतलब तीनों में से अगर कुछ भी ऐसा काम हो जाए, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो माना जाएगा सेल हैव टेकन प्लेस, ठीक है जी, ओके। आगे लिखिए, पॉइंट नंबर थ्री, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखो हमें जो मेन चीज समझनी है वो यही समझनी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट।
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा ट्रांजेक्शन किस तरीके की है। देखो ट्रांजेक्शन दो तरीके की हो सकती है, एक तो होती है कैजुअली, कैजुअली मतलब कभी कभी, कैजुअली मतलब कभी कभी सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल की ट्रांजेक्शन होती है। मतलब हमारी 100% सेल में से 10% 5% ऐसी ट्रांजेक्शन होती है अप्रूवल वाली, बाकी नॉर्मल सेल्स होती हैं, तो हमें अलग ट्रीटमेंट रखना पड़ेगा। और अगर ट्रांजेक्शन हमारी फ्रीक्वेंटली होती है, फ्रीक्वेंटली मतलब कंटेंट ज्यादा है या न्यूमरसली बहुत ही ज्यादा है, तो हमें काम कुछ और तरीके से करना पड़ेगा। ऑनलाइन के केस में, अगर मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात करूं, तो ऑनलाइन के केस में यही वाला कंसेप्ट चलता है इन केस ऑफ ऑनलाइन सेल्स। ऑनलाइन सेल्स में यही वाला कंसेप्ट चलता है फ्रीक्वेंटली और नॉर्मली, लेकिन आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए कैजुअली वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पर्पस के लिए आपको कैजुअली वाला पूछा जाता है, और इवन अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में भी एडजस्टमेंट मिलेगी तो वो एडजस्टमेंट आपको कैजुअली वाली ही मिलती है। ठीक है जी, चलिए मैं आपको दोनों कराऊंगा, कैजुअली एंड फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस कैजुअली, कैजुअली गुड्स क्या हो रहे हैं जी, सेंट किए जा रहे हैं। एक डायग्राम के थ्रू इसे अच्छे से समझेंगे, ध्यान से समझना। ये अगर आपको डायग्राम समझ में आता है तो आपका सारा कंसेप्ट इसी डायग्राम में कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये हमारा ईयर की स्टार्टिंग है, साल की स्टार्टिंग है, और डेट है जी 1/1/2020। ये हमारा साल का पहला दिन है, ईयर एंड, ईयर स्टार्ट हो रहा है हमारा 1/1/2020 को। यहां पर गुड्स सेंट करे, गुड्स आर सेंट, जिसकी कॉस्ट है, गुड्स की कॉस्ट है 10,000 रुपये और उन गुड्स का सेलिंग प्राइस है 12,000 रुपये। कॉस्ट और सेलिंग प्राइस समझते हो, कॉस्ट मतलब कितने रुपए के गुड्स हैं और सेलिंग प्राइस मतलब कितने रुपए के वो गुड्स बिकेंगे, उनका सेलिंग प्राइस। ये हमने सेंड करे हैं ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको, कैजुअली के केस में आपको जैसे ही गुड्स सेंड हो जाते हैं, आप मान के चलोगे, आप मान के चलोगे कि वो गुड्स क्या हो गए जी, बिक गए। आप नॉर्मल सेल की एंट्री डाल दोगे। नॉर्मल सेल की एंट्री डालने का मतलब क्या हुआ, मुझे बताओ क्या ये कैश सेल है या क्रेडिट सेल है? सर कैश सेल थोड़ी ना है, सेल थोड़ी, एक्चुअली में सेल थोड़ी ना है, लेकिन आप मान के चल रहे हो, और मान के चल रहे हो कौन सी वाली, सर क्रेडिट सेल वाली। बायर पैसे थोड़ी ना दे देगा, आपने तो उसको इस्तेमाल करने के लिए दिए, तो एंट्री क्या डलेगी, एंट्री विल बी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए से जी, ये एंट्री डलेगी आपकी 12,000 रुपए से। मुझे बताओ सेल की जो ट्रांजेक्शन होती है, सेल की जो एंट्री करते हो, वो कॉस्ट पे करते हो या सेलिंग प्राइस पे करते हो? आंसर इज कॉस्ट पर करते हैं। तो डेटर टू सेल आपने क्या करी जी, सेलिंग प्राइस पर एंट्री डाल दी। ये एंट्री डालने का मतलब क्या है, आपने सेल रिकॉर्ड कर ली। क्या ये एक्चुअल सेल है? आंसर इज अभी एक्चुअल सेल नहीं है, लेकिन आपने रिकॉर्ड करने के लिए, एक उसका हिसाब रखने के लिए आप एंट्री क्या डाल चुके, डेटर्स टू सेल की एंट्री आपने डाल दी। ठीक है जी, ओके। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारी डेट आती है लेटेस्ट से यहां पर 15 मार्च 2020। 15 मार्च को क्या हुआ, 15 मार्च को 20% गुड्स आर रिजेक्टेड, 20% गुड्स आर रिजेक्टेड। 20% गुड्स क्या हो गए जी, 20% गुड्स बायर ने वापसी कर दिए। कस्टमर ने क्या करे, 20% गुड्स क्या करे जी, वापसी कर दिए। वो कहता है मुझे समझ में नहीं आती, 20% गुड्स उसने वापसी भिजवा दिए। जैसे ही वापसी भिजवाए उसने गुड्स, देखो जब सेंड करे तो सेल की एंट्री थी, तो जैसे ही वो वापसी भिजवाएगा तो एंट्री किसकी बनेगी, सेल रिटर्न की एंट्री। जब सेंड करने पे आपने सेल की एंट्री करी है, तो वापसी भिजवाने पे क्या करोगे आप, सेल रिटर्न की एंट्री डालोगे, तो एंट्री विल बी
सेल्स अकाउंट डेबिट या फिर सेल रिटर्न भी लिख सकते हो, सेल्स या फिर सेल रिटर्न डेबिट टू डेटर्स। कितने से? 20%। 20% किसका जी? 12,000 रुपए का, दैट इज 2400 के गुड्स आपके पास क्या आ गए जी? वापसी आ चुके। अब कितने परसेंट गुड्स, कितने परसेंट गुड्स अभी भी कस्टमर के पास है? आंसर इज 80% गुड्स अभी भी कस्टमर के पास रखे हुए हैं। उसके बाद क्या होता है? तीस जून को 50% गुड्स आर एक्सेप्टेड। 50% गुड्स क्या हो जाते हैं जी? एक्सेप्ट हो जाते हैं। मुझे बताइए, 50% गुड्स अगर एक्सेप्ट हो गए तो एंट्री क्या डलेगी? देखो 80% गुड्स थे, 50% गुड्स एक्सेप्ट हो गए, क्या एंट्री डलेगी? एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है? ये हमारी क्या है? वंस द गुड्स आर एक्सेप्टेड, तो ये हमारी क्या है? ये हमारी एक्चुअल सेल्स है, ये हमारी एक्चुअल सेल्स है। क्या अब मैं डेटर्स टू सेल वाली एंट्री डालूं? ध्यान से सोचिए, क्या अब मैं डेटर टू सेल वाली एंट्री डालूं या नहीं डालूं? आंसर इज डेटर टू सेल वाली एंट्री अब नहीं डालोगे। क्यों नहीं डालोगे? सर ध्यान से देखो, यहां पर मैंने ये वाली एंट्री में मैंने 100% सेल करने की एंट्री ऑलरेडी डाल दी थी। ये वाली एंट्री क्या थी? ये वाली रिजेक्शन की एंट्री थी, रिवर्स हो गई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? 80% गुड्स की सेल की एंट्री पहले से ही डली हुई है। यहां पर आपने 100% की डाली, 20% की आपने रिवर्स कर ली, तो मतलब 80% गुड्स को बेचने की एंट्री ऑलरेडी ही डली हुई है। तो 50% के लिए आप क्या अलग से कोई एंट्री डालोगे? आंसर इज नो एंट्री, कोई एंट्री अलग से डालने की जरूरत नहीं। बात समझ में आती है? कोई भी एंट्री आपको अलग से डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब हमारा होता है जी ईयर एंड हो गया, 31 दिसंबर 2020 को ईयर एंड हो गया। देखो 20% गुड्स तो वापसी कर दिए थे, बचे 80%, 80% में से 50% गुड्स उसने एक्सेप्ट कर दिए। अब बचे कितने गुड्स, कितने परसेंट गुड्स? बैलेंस गुड्स, कितने परसेंट गुड्स बच गए? 30% गुड्स बच गए। अब मुझे बताओ क्या ये 30% सेल हुए या नहीं हुए? देखो अगर तो 31 दिसंबर तक टाइम पीरियड हो जाता है एक्सपायर, अगर तो 31 दिसंबर तक टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो हम मान के चलेंगे कि 30% गुड्स भी एक्सेप्ट हो गए, सेल हो गए, और सेल हो गए तो इसकी नो एंट्री। जब सेल हो गए तो पहले एंट्री डली हुई, तो नो एंट्री। लेकिन हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि टाइम पीरियड अभी एक्सपायर नहीं हुआ, टाइम पीरियड चल रहा है। तो टाइम पीरियड अगर चल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको 30% गुड्स के लिए एंट्रियां रिवर्स करनी पड़ेगी। कैसे रिवर्स करनी पड़ेगी? देखो पहली एंट्री तो जो आपने सेल करी हुई थी, जो आपने एक्चुअल सेल करी थी, उस एंट्री को आप क्या करोगे जी? रिवर्स कर दोगे। उसको आप क्या करोगे? रिवर्स कर दोगे, यानी कि आप एंट्री डालोगे सेल्स डेबिट टू डेटर्स 30% गुड्स। 30% यानी कि 3600 रुपए की एंट्री आप तो रिवर्स कर दोगे। और दूसरी एंट्री क्या करोगे? दूसरी एंट्री आप डालोगे कि जो गुड्स कस्टमर के पास हैं, जो गुड्स कस्टमर के पास है वो आप ही का ही तो स्टॉक है। मुझे बताइए, जब आप इन्वेंट्री काउंट करोगे, जब आप ईयर एंड पे इन्वेंट्री काउंट करोगे, इन्वेंट्री काउंट करना मतलब स्टॉक को काउंट करोगे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करोगे तो स्टॉक को फिजिकली काउंट करोगे, तो स्टॉक काउंट करोगे तो ये क्या ये 30% गुड्स आपके आपको गोडाउन में मिलेंगे? क्या ये 30% गुड्स आपको गोडाउन में मिलेंगे? आंसर इज ये 30% गुड्स आपको गोडाउन में नहीं मिलेंगे। तो अगर ये 30% गुड्स आपको अपने गोडाउन में नहीं मिलेंगे तो आप क्या करोगे? आप अपनी इन्वेंट्री कैलकुलेट करते समय इन 30% गुड्स की कॉस्ट को भी अपनी गुड्स में ऐड कर दोगे। क्यों? क्योंकि इसकी ओनरशिप अभी भी आपके पास ही है, इनकी ओनरशिप अभी भी आपके पास ही है। तो आप एंट्री क्या डालोगे? आप डालोगे इन्वेंट्री विद कस्टमर्स, इन्वेंट्री विद कस्टमर्स, कुछ गुड्स मेरे कस्टमर के पास हैं, डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितने परसेंट? 30%। अब मुझे बताइए इन्वेंट्री सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड होती है या कॉस्ट पे? आंसर इज इन्वेंट्री कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है। तो 10,000 का 30% यानी कि 3,000 रुपए से ये आप एंट्री डाल दोगे। क्लियर है जी? बताइए सर ये वाली चीज हमने क्यों करी?
व्हाई दिस हैज बीन डन। देखो इसको करने के पीछे एक लॉजिक है, अगर आप ये 30% गुड्स की सेल को रिवर्स नहीं करते, अगर आप 30% की सेल को रिवर्स नहीं करते तो आपकी सेल इन्फ्लेटेड हो जाती। आपकी सेल क्या होती, इन्फ्लेटेड होती, तो प्रॉफिट भी आपका क्या हुआ था, एक्चुअली में बढ़ा हुआ था, क्योंकि आपने इनिशियली 100% सेल रिकॉर्ड कर दी थी जबकि एक्चुअली में थी नहीं, जबकि एक्चुअली में थी नहीं। एक्चुअली में कितनी सेल थी, सिर्फ ये 50% ही तो सेल थी। तो ये 30% आपको ईयर एंड पे हटानी पड़ेगी सो दैट आपका करेक्ट प्रॉफिट निकले। और इन्वेंट्री विद कस्टमर वाली एंट्री आपने इसलिए करी क्योंकि फिजिकल काउंट में इस इन्वेंट्री को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ओनरशिप भी आपके पास ही है एज द बायर हैज नॉट सिग्निफाइड हिज एक्सेप्टेंस और अप्रूवल। आती है बात समझ में? हाँ जी। तो ये वाली चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है जी। अब इसमें एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, देखिये जब भी गुड्स एक्सेप्ट होते हैं, जब भी गुड्स एक्सेप्ट होते हैं तो इसमें कभी कभी ना दो केसेस आ जाते हैं। इफ गुड्स आर एक्सेप्टेड अबव इनवॉइस प्राइस, अगर गुड्स महंगे एक्सेप्ट हो रहे हैं, मतलब जब 50% गुड्स एक्सेप्ट करे गए तो सेलर ने ये बोला कि भैया अगर आपको ये लेने हैं ना तो अब इसका प्राइस बढ़ चुका है। अब इसका प्राइस क्या हुआ है जी, बढ़ चुका है। अगर बढ़ चुका है प्राइस तो क्या होगा जी, और सेल हो जाएगी, और सेल हो जाएगी, मतलब एंट्री आपकी बनेगी डेटर टू सेल्स विद एक्सेस अमाउंट, भाई जितने रुपए से प्राइस बढ़ा है उतने रुपए से आप एंट्री डालोगे। और अगर गुड्स आर एक्सेप्टेड लोअर देन, अगर गुड्स आर एक्सेप्टेड लोअर देन आईपी, लोअर देन आईपी कैसे, मतलब कि बायर ये कहता है भैया मेरे को गुड्स पसंद तो आ रहे हैं लेकिन आप ये महंगे लगा रहे हो, क्यों ना इसको थोड़ा सस्ता कर लो। तो अगर सस्ता, सस्ते के लिए सेलर एग्री हो जाता है तो वो क्या करेगा, अपनी सेल को कम कर देगा, सेल्स डेबिट टू डेटर्स डिफरेंस अमाउंट से या रिड्यूस्ड अमाउंट से, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, अगर तो गुड्स इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पे एक्सेप्ट हो रहे हैं तो आई एम सेल को और बढ़ाओगे, और अगर इनवॉइस प्राइस से कम पे एक्सेप्ट हो रहे हैं तो आप सेल को क्या करोगे जी, कम कर दोगे। बोलिए जी, यहां तक बात समझ में आती है? ओके, दोबारा एक बार इसको ध्यान से समझो। देखो 1120 को क्या हुआ था, गुड्स सेंड करेंगे थे, व्हेन द गुड्स आर सेंट, व्हेन द गुड्स आर सेंट, आप इसको नॉर्मल सेल की तरह ट्रीट करोगे, एंट्री डालोगे डेटर्स टू सेल एट इनवॉइस प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस पे। जब गुड्स रिजेक्ट हो जाते हैं, जब गुड्स रिजेक्ट हो जाते हैं तो आप क्या करोगे, सेल की एंट्री को रिवर्स कर दोगे, सेल टू डेटर या सेल रिटर्न टू डेटर्स। व्हेन द गुड्स आर एक्सेप्टेड, जब गुड्स एक्सेप्ट हो जाते हैं तो आपको कोई भी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहली एंट्री में आपने 100% सेल बुक कर ली थी। और ईयर एंड पे, ईयर एंड पे बैलेंस गुड्स के लिए आप क्या करोगे, जो भी गुड्स कस्टमर के पास है उनकी सेल को पहले रिवर्स करोगे, क्योंकि अगर आपने सेल को रिवर्स नहीं किया तो आपका प्रॉफिट करेक्टली कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। और फिर आप क्या एंट्री डालोगे, इन्वेंटरी विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब जो स्टॉक कस्टमर के पास है उन स्टॉक को भी अपने पास इंक्लूड करके चलो। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब देखो, अब इसी में मैं एक आगे कंसेप्ट बढ़ाता हूं। नेक्स्ट ईयर, अगले साल 1/1/21 अगला साल शुरू हुआ। अब अगले साल को क्या हुआ जी, 31 मार्च 2021 को 10% गुड्स बायर ने क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए, वापसी कर दिए। मुझे बताइए, अब जब गुड्स वापसी हो जाएंगे, अब जब गुड्स वापसी हो जाएंगे तो क्या एंट्री डलेगी? सर सेल को रिवर्स होनी चाहिए, सर सेल की रिवर्स होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना सेल की रिवर्स अब मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ईयर एंड पे आप पूरे जो 30% कस्टमर के पास थे गुड्स, उनकी एंट्री को आप ऑलरेडी ही रिवर्स कर चुके थे, तो क्या अब आप दोबारा रिवर्स करोगे? आंसर इज, अब आपको दोबारा रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, नो एंट्री, नो एंट्री। और उसके बाद मान लो 30 सितंबर को जो बैलेंस गुड्स थे वो एक्सेप्ट हो जाते हैं, बैलेंस गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो एक्सेप्ट करने के केस में अब आप क्या करोगे, अब आप सेल की एंट्री दोबारा डालोगे डेटर्स टू सेल,
क्यों? क्योंकि पहले ही आप ईयर एंड पे पूरी की पूरी एंट्री को रिवर्स कर चुके थे, तो ये 10% रिजेक्ट हो गया, तो कितना 10% रिजेक्ट यानी कि 20% एक्सेप्ट हो गया, तो 20% यानी कि 2400 रुपए की आपकी क्या होगी जी, सेल हो गई। आई बात समझ में? बोलिए जी, क्लियर होती है बात? ओके, अब देखिए सेल एक्चुअली में कितने परसेंट की सेल हुई थी? देखो 50% तो ये सेल हुई थी, 50% ये सेल हुई थी और 20% ये सेल हुई थी, यानी कि टोटल 70%। एक बार टैली करके देखते हैं कि 12,000 का 70%, यानी कि 8400 की सेल बुक करी है नहीं करी हमने? देखो जी, 8400 की सेल बुक करी है नहीं करी हमने? देखो 12,000 की तो ये सेल बुक करी, ऐड करते चले जाना, 12,000 की तो ये सेल बुक करी, माइनस कर दो 2400, 2400 की हमने रिटर्न कर दी थी, उसके बाद 3600 की और रिवर्स करी, 3600 की और रिवर्स करी, और 2400 की और हमने सेल क्या करी, रिकॉर्ड करी, यानी कि टोटल आपकी 8400 की सेल हमने रिकॉर्ड करी है, जो कि एक्चुअली में भी होनी चाहिए थी। बात समझ में आती है? कंसेप्ट समझ में आता है? चलिए जी, तो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस व्हेन द गुड्स आर सेंट कैजुअली, अगर गुड्स कैजुअली सेंट होते हैं